धर्म के सैकड़ों विषय हैं। इन विषयों के अंदर मूलभूत पहला, सबसे पहला प्राथमिक विषय जीव विचार है। समस्त संसार के जीवों को पहचानना है। हम भी उसमें एक जीव है। हम आज मनुष्य के अंदर पंचेंद्रिय संघि पर्याप्त जीव के रूप में पहचाने जाते हैं, लेकिन खाली मनुष्य ही तो जीव नहीं है। संसार के अंदर कई प्रकार के, कई तरीके के जीव हैं और संख्या के अंदर अनंत जीव हैं। आखिर निगोद से लेकर के मोक्ष तक जो जीव की एक यात्रा है, अब उसमें जीव निगोद में कैसे हैं, कितने जीव हैं, गोले कितने हैं, गोले में जीव निगोद कितने हैं, निगोद में जीवों की संख्या कितनी है, क्योंकि निगोद अपने आप में क्या है, एक माइंड से जीवों की खदान है। अब उसी में से बाहर निकल के आएंगे, फिर पूरे इतने बड़े 14 राज लोग के अंदर कितने निगोद के गोले हैं और कितने जीव हैं। अब वो बाहर निकल कर पृथ्वी, पानी, अग्नि, वायु, वनस्पति में आ गए, तो उनके भी ये पांचों प्रकार के सूक्ष्म जीव जो पृथ्वी, पानी, अग्नि, वायु के पूरे लोक में कैसे भरे हुए हैं, कितने भरे हुए, आप एक सुई का अग्र भाग भी स्पर्श करो, इतनी जगह भी पूरे 14 राज लोक में खाली नहीं है जहां पर जीव ना हो। चलिए, अब उनमें से जीव आगे बढ़े तो कैसे आगे बढ़े, उत्तरादेन सूत्र आगम शास्त्र के 10वें अध्ययन के अंदर ये जो बात बताई गई है कि आत्मा पहले जो है निगोद में से बाहर निकल करके साधारण बाधर वनस्पति काय, फिर प्रत्येक वनस्पति काय में से, फिर पानी में से आगे बढ़ती है, कितने जीवों का प्रमाण देखिए आप। तो ये सारे जीवों को समझना बहुत जरूरी है, जानना बहुत जरूरी है। 10वें वायु काय में हवा स्वयं जीव कैसे है, और पृथ्वी काय के अंदर कितने प्रकार के जीव हैं, वनस्पति में, साधारण में और प्रत्येक में क्या अंतर है और कितने प्रकार के जीव है। अब आज कौन मानेगा, कौन समझेगा कि हवा स्वयं अपने आप में जीव है। लेकिन हमारे यहाँ पर जैन शास्त्र में जो प्रतिक्रमण है उसमें रोज बच्चे से लेकर बूढ़े तक सभी बोलते हैं, 7 लाख पृथ्वी का है, 7 लाख अब का है, 7 लाख देव का है, 7 लाख वायु का है। अरे इतना सब बोलते हो तो उसका अर्थ क्या हुआ, आप उनको कैसे पहचानेंगे, कैसे जीव है। ये सारे जीव हमको जानने पहचानने बहुत आवश्यक हो गए। अब जैसे वो स्थावर कक्षा में से बाहर निकले तो त्रस में आए, तो त्रस में विकलेंद्रीय और सकलेंद्रीय दोनों प्रकार के बनते हैं। विकलेंद्रीय के अंदर 2 इंद्रिय वाले जीव जिनको स्पर्श के बबाद रसनेन्द्रिय दोनों आ गए, 8 और 5 13 विषय को ग्रहण करने वाले अमीबास वगैरह बैक्टीरिया, बच्चों के पेट में छोटे छोटे वर्म्स जंतु हो जाता है, वो 2 इंद्रिय जीव है। जलो और लींच वगैरह 2 इंद्रिय जीव है। शंख और कोड़ी आदि 2 इंद्रिय जीव है। 3 इंद्रिय धारी जब बन जाते हैं तो चींटी मकोड़े बनते हैं। 4 इंद्रिय वाले जब बन जाते हैं तो मक्खी मच्छर बनते हैं। इन तीनों को विकलेंद्रीय ग्रुप नाम दिया। ये कैसे जीव है, अब इनकी संख्या कितनी है, इनका आयुष्य कितना है, इनकी ऊंचाई कितनी है, इनको प्राण कितने हैं, इनकी पर्याप्तियां कितनी है, इनकी स्वकाय स्थिति कितनी है, ये सारी बातें जो है बहुत अच्छी तरह से शास्त्रों में दर्शाई है, जो हमें जाननी बहुत जरूरी होती है। अब इसमें से आगे निकल करके जीव पंचेंद्रिय में आए, लेकिन कल पंचेंद्रिय में ऐसी कक्षा में आए कि जो समूर्छिम बने, मन नहीं होता है लेकिन 5 इंद्रियां पूरी होती है। हमारे मनुष्यों के, पशु पक्षियों के मल मूत्र, कफ, थूक, वीर्य, पस वगैरह आदि के अंदर जब जीवोत्पत्ति होती है तो वो पंचेंद्रिय मनुष्य जीवों की भी उत्पत्ति होती है। छोटे छोटे होते हैं और उनको मन नहीं होता है, उनका लंबा आयुष्य नहीं होता है, अंतर्मुहूर्त में तो मर भी जाते हैं, तो उनको कितने जीवों के हिंसा का पाप लगता है। आज जो लोग नहीं समझते हैं कि आलू प्याज नहीं खाना है, अरे क्यों नहीं खाना है, उसके साइंटिफिक रीजंस आपको समझाए जाएंगे। एक शरीर में, एक साथ में जिसमें अनंत जीव रहते हैं, वो जो है साधारण वनस्पति काय के जीव स्वरूप समझता है, और फिर हम जो है दूधी, लौकी, तुरई, टमाटर, काकड़ी वगैरह खाते हैं, तो वो प्रत्येक वनस्पति काय कैसे, उनके अंदर एक शरीर में एक ही जीव रहता है, उनका भी स्वरूप हमको समझना है। ये सारे
सब जीव अब आखिर मोक्ष में भी जाते हैं तो वो कौन? वो भी 15 प्रकार के जीव जो मोक्ष में जाते हैं, तो उनको सिद्ध के भेदों में गिना जाए। अब सातों नरक के नारकी जीव कितने प्रकार के हैं, देव गति में देवी देवताओं की दुनिया कितनी बड़ी। कई लोग कहते हैं हम भूत प्रेत नहीं मानते हैं, भूत प्रेत नहीं। अरे भाई, भूत प्रेत व्यंतर आदि भी देव गति के देवी देवताओं की अवान्तर जातियों के देवता हैं। तो वो कौन है, वो कैसे है, कहाँ रहते हैं, किस तरह से, उनकी भी सारी बात समझनी है। तो शास्त्रों के अंदर, आगमों के अंदर और जीव विचार प्रकरण के अंदर जैसा वर्णन है, उसके सारे चित्र इकट्ठे किए, चित्र बनाए, साथ में वीडियो भी बनाए। अब उन चित्रों की एक बहुत बड़ी प्रदर्शनी लगाने जा रहा है। यहाँ पर जो है, जिसके अंदर एजुकेशनल एग्जीबिशन है, आप इसमें समझेंगे द जैन साइंस ऑफ बायोलॉजी, द जैन साइंस ऑफ बॉटनी, जैन साइंस ऑफ द जूलॉजी, जीव विज्ञान, जिसके अंदर प्राणी विज्ञान, वनस्पति विज्ञान और जिसके अंदर जीवों का स्वरूप समझाया जाए। इतने सारे सुंदर चित्र वगैरह बनाए। अब बात रही कि माइक्रोस्कोपिंग भी, छोटे 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 जीव जो है, जो नहीं दिखाई देते, पानी की एक बूंद में भी नहीं दिखते और पानी में है, फिर आलू प्याज आदि के ऊपर है, आप जो है ये अपना ब्रेड वगैरह खाते हो, जब ब्रेड वगैरह के अंदर कहते कैसे जीव जो है उत्पन्न हो जाते और बढ़ जाते, फंगस वगैरह के अंदर कैसे जीव, जैसे आपने कोरोना सुना तो कोरोना भी दो इंद्रिय बैक्टीरिया जीव। तो सर्वज्ञ केवल ज्ञानी भगवंतों ने अनंत ज्ञान दर्शन से जगत के समस्त अनंत जीवों का जो जैसा स्वरूप बताया है, उसकी एक बड़ी चित्र प्रदर्शनी यहाँ पर आयोजित की है। और इसके अंदर ये सारा वर्णन अद्भुत तरीके से आए, सबको जानना, सुनना, देखना, समझना चाहिए। ये आप देखेंगे, आपको जैन धर्म की बहुत बड़ी विशालता का स्वरूप समझ में आ जाएगा।